हाय गाइस, क्या आप 50,000 रुपए तक के बजट में एक शानदार फीचर्स वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, जिसे आप वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, 3D लोगो डिजाइनिंग एंड ऑफिस वर्क के लिए यूज कर सके? तो आज की इस वीडियो में हम ASUS के ब्रांड न्यू Vivo Book 14 लैपटॉप के बारे में जानेंगे, जिसका मॉडल नंबर है M415DA EB512WS। और गाइस, ASUS के मॉडल AMD के Ryzen 7 CPU, 16GB RAM, लेटेस्ट OS वर्जन और AMD के ही Radeon Vega ग्राफिक्स के साथ आता है, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगा या नहीं। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के CPU के बारे में। हमें इस लैपटॉप में AMD का 3rd जनरेशन का Ryzen 7 3700U प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है, और एक AMD का क्वाडकोर प्रोसेसर है जो जून 2019 में लॉन्च्ड हुआ था। और आपको इसमें 2.3 GHz की बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, जिसे आप 4.0 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर 4 कोर्स, 8 थ्रेड्स और 4 MB की L3 कैशे मेमोरी का रहने वाला है, जिससे आप इस लैपटॉप को फोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और आप इसे जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, आप इस लैपटॉप को ब्लॉगिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। और इस प्रोसेसर के बेंचमार्क कोर्स के बारे में बताऊं तो इसका सिंगल कोर 719 तक का रहने वाला है और मल्टी कोर स्कोर 2590 तक का रहने वाला है। यानी गाइस, आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, और आप इस लैपटॉप पे अपने डे टू डे के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप की स्टोरेज और रैम के बारे में। हमें इसमें 512 GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी। एंड प्लस गाइस, इसमें एक MT 2.5 इंचेस का HDD स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आप इसमें स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकेंगे। और रैम में इसमें डायरेक्ट 16 GB की DDR4 रैम प्रोवाइड की गई है, जिससे आप चाहो तो मैक्सिमम 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। यानी गाइस, स्टोरेज और रैम के मामले में ASUS का लैपटॉप आपके लिए एक कंप्लीट फ्यूचर प्रूफ डील रहेगा। और GPU के बारे में बताऊं तो इसमें AMD का Radeon RX Vega 10 ग्राफिक्स दिया गया है, जो 10 कोर्स का रहने वाला है। और इस GPU की क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1400 MHz तक की रहेगी, जिससे आप इसमें नॉर्मल सेटिंग्स पर GTA 5 और Call of Duty के जैसे गेम्स खेल सकते हैं। और इसी के साथ आप इसमें 3D लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क भी कर सकेंगे। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। हमें इस लैपटॉप में 14 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसके डिस्प्ले में 2-साइडेड नैनो एजेस दिए गए हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफ़ी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड किए हैं। और गाइस, इसके डिस्प्ले में 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% तक का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट रहने वाला है, जिससे आपको इसमें 1080 रेजोल्यूशन पर वेब सीरीज और मूवीज को देखने में काफ़ी मजा आएगा। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ASUS के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये लैपटॉप प्लास्टिक बिल्ड में आता है। और बता दूं, इस लैपटॉप के बैक पैनल में आगे और पीछे रबर ग्रिप्स दी गई हैं, जो लैपटॉप में एक अच्छा ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेंगी। और इस लैपटॉप का वेट 1.6 kg है, और ये ASUS का काफ़ी थिन एंड लाइट वेटेड लैपटॉप है, जिससे आपके लिए इस लैपटॉप को कैरी करना काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। और वेबकैम की बात करें तो इसमें VGA वेबकैम दिया गया है, और वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ, जो थोड़ा सा निराश करता है। ASUS को इस लैपटॉप में HD वेबकैम देना चाहिए था। स्पीकर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में सोनिक मास्टर्स के डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलता है, और इन स्पीकर्स की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। और इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी में आपको बिल्ट इन वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफ़ी डिसेंट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और आप इसमें अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है। कीबोर्ड के किस के बीच की अलाइनमेंट काफ़ी बढ़िया है, और आपको इसमें 1.4 mm का की ट्रेवल देखने को मिल जाएगा।
जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकेंगे। पर इसमें बैकलेट कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो थोड़ा सा निराश करता है। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें एक डिसेंट साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है, जो मल्टीटच जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। एंड प्लस गाइस, इसके ट्रैकपैड में फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप इस लैपटॉप को बिना पासवर्ड एंटर करे जस्ट वन स्कैन में लॉग इन कर सकेंगे। और बैटरी के बारे में बताऊँ तो आसूस के इस लैपटॉप में 2 सेल्स वाली 37 वॉट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बताऊँ तो इस लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट एंड 1 USB Type-A पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में 1 नैनो सिक्योरिटी स्लॉट, 2 USB Type-A पोर्ट्स एंड 1 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर गाइड्स देखने को मिल जाएंगे। आसूस का ये लैपटॉप जिस प्राइस रेंज में आता है, हमें उसमें काफ़ी शानदार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमें इसमें 14 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें AMD का 3rd जनरेशन का Ryzen 7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें स्टोरेज और रैम दोनों को अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया गया है, और इसमें डायरेक्ट 16 GB की रैम दी गई है, और हमें इसमें फिंगरप्रिंट रीडर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम दी गई है। और आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरीके का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। आप इस लैपटॉप को बिजनेस या ऑफिस वर्क हो, एडिटिंग या प्रोग्रामिंग हो, या आपके एवरीडे के टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। आप इसमें 7 से 8 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। वाकई में आसूस का ये लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 47,000 रुपीज़, और आप इस लैपटॉप को अमेजोन से परचेज कर सकती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं।